आई सेल्फ संदीप टारगेट आईएएस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज से आप आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्या है पहला टाइप का क्वेश्चन उठा रहे हैं कि एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। फाइंड एंगल, एक फॉर्मूला है जो आप लिख लो, हालांकि इसका यूज नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला आप लिख लो, मतलब अगर कभी भूल जाए हमारा तरीका तो आपको फॉर्मूले से करना पड़े, तो फॉर्मूला आप लिख लो ये वाला यार। क्या है फॉर्मूला? तो आप बोलोगे थीटा इक्वल, थीटा का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा इक्वल 13h माइनस 11/2 मिनट, 11/2 मिनट, ये वाली बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, कुछ लोगों को भूल जाता है, क्या भूल जाता है, ये भूल जाता है यार कि 30 यहाँ था कि यहाँ था, मिनट में मल्टीप्लाई किया गया था कि आर में मल्टीप्लाई किया था, ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आपका। इतनी बात याद रखनी है, आप बताओ घंटे वाली सुई बड़ी होती है कि मिनट वाली सुई? तो आप बोलोगे घंटे वाली सुई ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा बड़ी है इसलिए इसमें बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है, मिनट वाली सुई छोटी है इसलिए इसमें 11/2, बड़ी है इसलिए बड़ी संख्या का, छोटी है इसलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। ये फार्मूले का यूज हम किसी भी क्वेश्चन में करेंगे नहीं, इस फार्मूले का यूज किसी भी क्वेश्चन में करेंगे नहीं, लेकिन आप समझ जाओ कि ये फार्मूला ये है, ठीक है। जैसे कन्वर्जन करने के लिए आता है तो आप समझो दे देता है 7:30 बजे कितने डिग्री के घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बताओ कितने डिग्री का होगा, 7:45 पे कितना होगा, बस समझो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक चीज और बता देते हैं आपको यहाँ पास, जैसे ये घड़ी है, जैसे मान लो ये घड़ी है और यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 3, यहाँ 9, ये है कितना 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जैसे मान लो ये हो गई आर हैंड और ये हो गई मिनट हैंड, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये हो गया आर हैंड और ये हो गया मिनट हैंड। तो आप बात को गौर से समझना, मैं ये बताना चाहता हूं कि दो कोण निकलते हैं, किसी भी आप समय का निकालने की कोशिश करोगे दो कोण निकलते हैं, लेकिन आपको वो वाला कोण बताना है जो सबसे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा ऑप्शन में, उसी को आपको आंसर बताना है। जैसे समझो मान लो यहां पास, मान लेते हैं कि यहां पास ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो एक आप देखो बाहर भी कोण बन रहा है, ये बाहर वाला कोण बन रहा है कि नहीं, तो अगर ये 30 डिग्री का है और टोटल सर्किल का 360 डिग्री का होता है, अगर ये 30 डिग्री का है तो बताओ ये वाला कितने डिग्री का होगा, 330 डिग्री का, कुछ नहीं करना था, 360 में 30 माइनस कर देते वो बाहर वाला कोण आ जाता। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि आपको आंसर वो वाली वैल्यू देनी है जो 180 डिग्री से छोटी होगी, बात समझ रहा हूँ, अगर 180 डिग्री से छोटी वाली नहीं मिलती तो फिर आपको ये बड़ी वाली वैल्यू देनी है, इतनी बात समझानी थी। चलो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है आपको उसमें, तो जैसे आपसे ही पूछ लिया जाए कि आप बता दो 7:30 पर, क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, सात बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ कितना होगा, कोण बताओ कितना होगा, कोण बताओ कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, फार्मूले में भी रख सकते हो, इससे भी कर सकते हो, हम घड़ी से भी बताएंगे कैसा, पहले हम बता देते हैं कि फार्मूले से आप कैसे करोगे, इसके बाद हम बता देते हैं घड़ी से कैसे करोगे, फिर इसके बाद हम बता देते हैं हमारा क्या तरीका है। तो जैसे फार्मूले में रखने की कोशिश करोगे तो आप कैसे करोगे,
कैसे करोगे? जैसे इस फॉर्मूले में रखने की कोशिश करोगे, आपसे पूछा गया 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बता दो, तो दोनों सुइयों, ये आवर हैंड है, ये मिनट है, दोनों सुइयों के बीच का ये संबंध बताने का काम करेगा। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करते यार, थीटा हमें फाइंड करना है, मैं यहाँ थीटा रख देता हूँ 30, एस का मतलब कितना 7, क्योंकि 7 घंटे, ये वाली जो ये 7 लिखा है ये घंटे का शो कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 - 11/2, मिनट कितना है 30, तो आप लिख लो कितना 30। बात समझ गया? आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ से काटना पीटना है, तो आप बोलोगे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 210, इसे काटोगे कितना हो जाएगा 15, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, 5 × 11 = 165 आ गया। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे 5 हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 10 × 5 = 5, ठीक है, और यहाँ पास कितना हो गया 10 × 6 = 4, 1 × 0 = 45 डिग्री आ रहा, कहीं गलत तो नहीं है, ठीक तो है। तो थीटा इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा इक्वल 45 डिग्री आप यहां से निकाल पाए हो, थीटा इक्वल 45 डिग्री, कहीं उम्मीद करते हैं गलत तो नहीं होगा, 210 × 165, ठीक है हमारे अनुसार। तो मैं ये तरीका, मतलब ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मैं अपने तरीके से थोड़ा निकाल के बताता हूँ आप कैसा करोगे। तो आप देखो 7:30, तो आपको जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करना, 7:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको मैं ये बता रही, ये तो फॉर्मूले से आप कर सकते हो आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले से। इधर बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप बोलोगे यार ये 7 वाली सुई आप बताओ कहाँ पास होगी घड़ी में, जैसे यहां घड़ी बना देता हूं, ये 12 हो गई, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। एक, दो, चार, पांच, 7, 8, 10 और 11। चलो आप गौर से देखना, तो आप बोलोगे 7 वाली सुई कहां होगी, 7 के करीब होगी, 7 पर एग्जैक्ट नहीं होगी। 7:30 का मतलब ये यहाँ होगी, 30 वाली वैल्यू जो है, मिनट वाली सुई 6 पर एग्जैक्ट होगी तभी 30 होगा, और ये 7 वाली वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ये जो घंटे वाली सुई है 7 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो आपको बताना है यहाँ वाला कोण कितना रहा होगा, आपको बताना है 8 पर नहीं है, 7 और 8 के बीच में है, आपको बताना है ये वाला कोण कितना रहा होगा। तो आप कुछ नहीं करना, ये तो हमने फॉर्मूले से बताया 45 डिग्री बनेगा, आपको क्या करना है गौर से देखना। तो आप बोलोगे 7 वाली सुई तो 7 पे रहेगी, तो यहाँ लिख लो 7, कोई दिक्कत, मान लेते हैं 7 पे रही होगी, हालांकि घंटे वाली जो हमारा नियम कहता है तो वो घंटे वाली सुई को जस्ट उतार लेना है। 30 वाली सुई कितने पे रहेगी आप बताओ, 30 वाली सुई, मिनट वाली सुई किस पर रहेगी, अगर 30 मिनट है तो आप बोलोगे 6 पे रहेगी, मिनट वाली सुई अगर 30 पे है, मिनट अगर 30 मिनट है तो बताओ ये सुई कितने पर होगी, 6 पर होगी। इन दोनों का आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे माइनस करने के बाद 30 आ रहा है, कितना रहा है वो, माइनस करने के बाद 1 आ रहा है, 7 में 6 को माइनस कर दो कितना रहा है 1, माइनस करने के बाद अगर 1 आया, माइनस करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी आपको कुछ नहीं करना है, उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितने का 30 का, तो बताओ कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो ये मिनट दिया है इसका आधा, जो ये मिनट दिया है उसका आधा इसी में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब आप 15 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 45 डिग्री, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या बताया, एक बार हमारे नियम फिर से आप समझने की कोशिश करना, ये बहुत बेस्ट है, आप ऐसे उंगलियों में कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं करना है। देखो हम ये बोले जैसे यहां लिखा हुआ है 7:30, ठीक है, तो आप ये वाली जो ये घंटे वाली चीज लिखी होती है, 7 लिखा हो 8 लिखा हो 9, उसको हो बहु उतार लेना है कितना 7, बताओ मिनट अगर 30 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहां पास होगी, तो आप बोलोगे 6 पर होगी, कहां होगी 6 पर होगी, होगी कि नहीं। इन दोनों का क्या करना है, आपको अंतर लेना है, कितना आएगा 1, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1, जितना भी अंतर आएगा उसके बाद हमने बोला इसमें केवल और केवल 30 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा
30 आएगा। और हमने बताया है कि लास्ट में आपको क्या कर देना है, आपको लास्ट में क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना है, 15 ऐड कर देना। 15 क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमने बोला है क्या यहाँ ऐड करना है, तो आप बोलोगे इसका आधा यहाँ ऐड करना है, तो कितना 15। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, कितने डिग्री, 45 डिग्री। अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या है कैसे है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले से भी हम हर बार आपको बता देंगे, लेकिन हमारा जो तरीका है वो अच्छा तरीका है, अब उससे लगाने की कोशिश करो, बढ़िया है। 3:30, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले मेरा तरीका देख लो, आपको क्या करना है, 3 लिखना है यहां, 30 लिखना है। 3 वाले को हमने बोला हूबहू उतार लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 30 वाली सुई किस पे होगी, तो आप बोलोगे 6 पे होगी। हमने बोला इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का जब अंतर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, इस बार कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। गौर से देख लो, 3 - 6 करोगे तो -3 आ रहा है। हमने बोला जितना भी माइनस करने के बाद आएगा उसमें कुछ नहीं, 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो बताओ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे -90 आ जाएगा। हमने बताया है कि जो भी यहाँ पास आएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका आधा जोड़ देना है, इसका आधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। मिनट वाली सुई का क्या कर देना, आधा जोड़ देना है, तो इसका आधा करोगे कितना, 15 जोड़ दो। जैसे ही 15 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 10 में 5, 5 योग कितना हो जाएगा, 75। -75 आता है, लेकिन माइनस को आपको इग्नोर कर देना है, यहाँ पास माइनस को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, और 75 डिग्री सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे उंगलियों में भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, गौर से देखना। आप बोलोगे 3:30 है, 3 वाली तो 3 पे ही रहेगी, 30 वाली 6 पे रहेगी, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, वो भी -3 का आ रहा है, -3 का रहा है, तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई हर बार करना ही पड़ेगा, तो 30 दिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। -90 आ रहा है, उसमें आधा उसका जोड़ना है, यानी 15 जोड़ना है, तो -90 + 15 करोगे, 75 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो बात समझ गया कि नहीं। फॉर्मूले से भी बता देता हूं, आप फॉर्मूले से समझ लो क्या करना है आपको, फॉर्मूले से थोड़ा देख लो। यहां पास रखते क्या, थीटा इक्वल 30 × 3 - 11/2, मिनट कितना दिया है, 30। तो यहां से आप करते थीटा कितना जाता, 90 माइनस ये काटोगे कितना, 15, ये कितना हो जाएगा, 55 और 165 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो आप बोलोगे जब इसे हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, और 16 - 9 = 7, लेकिन माइनस आएगा। तो आपको पता होगा यार, यहाँ फार्मूले में आप मार्ट लगा लो, क्या यहाँ फार्मूले जब भी आप सॉल्व करो तो यहाँ मार्ट लगा लो। मार्ट का मतलब ये होता है कि माइनस को हर बार इग्नोर कर देना है आपको, तो -75 है, तो ये मार्ट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 75। आपको फार्मूला ये रखना है कि यहाँ मार्ट लगा लेना है, बात समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत है। माइनस को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। घड़ी कभी उल्टी तो चलती नहीं है कि इधर चल रही है 5 मिनट इधर चलेगी, -75 का मतलब क्या है, उल्टा चल रहा है, ये तो गलत हो जाएगी घड़ी, बात समझ रहे हो कि नहीं। उम्मीद करते हैं ये बात, अभी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यार तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ आ जाएंगी। आपको ये फार्मूला नहीं याद करना है और ना ही के फार्मूले से लगाना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ऐसी वैल्यू आ जाती है यार 5:25, कितना 5:25 कर लेते हैं, 5:25, 4:30 और कुछ लिख लेते हैं, 8:45 नहीं 55 कर लो यहां, ठीक है, और कर लेते हैं यहाँ पास हम पहले 3 करते हैं। तो गौर से देखना, तो आप बोलोगे यहाँ पास ये कहाँ होगा, तो आप बोलोगे 5 पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25 है इसका मतलब ये कहाँ रहा होगा, 5 पे रहा होगा। इन दोनों का हमने बोला है क्या करना है, अंतर लेना है। तो आप देखो 5 - 5, ये क्वेश्चन है कि 5:25 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ कितने डिग्री का होगा। तो हमने ये तरीका बताया, आपको कुछ नहीं करना, ये 5 वाली सुई कहाँ होगी, ये तो 5 उतार ही लेना है। ये 25 वाली सुई कहाँ होगी, 25 मिनट अगर होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, अगर 25 मिनट होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, तो आप बोलोगे 5 पे होगी। हमने कुछ नहीं बताया, इनका अंतर ले लो तो कितना रहा है, 0। जो भी अंतर आएगा उसमें हमने बोला था 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 30 आया।
वो जीरो आया, जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद हमने बताया था इसका आधा कर देना है, जो मिनट वाली सुई दी है इसका आधा करके जोड़ दो, तो बताओ 25 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे 12.5, जीरो को जोड़ोगे कितना आएगा 12.5, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होगे, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, 4:30 वाली बात करते हैं। तो आप बोलोगे 4:30 वाली अगर हम बात करते हैं तो ये वाली सुई तो एक तारीख को उतार लेना है, 4 होगी, बोलो 30 वाली सुई कहां पास होगी, अगर 30 मिनट हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहां होगी, तो आप बोलोगे 6 पे होगी, हम माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा -2 आ रहा है। हमने बोला जितना भी माइनस करने के बाद आएगा आपको कुछ नहीं करना, 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, जब 30 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -60। हमने बोला इसका क्या कर दो, आधा इसी में क्या कर दो, जोड़ दो, तो हमने 15 को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 5, 4, 45, माइनस को इग्नोर करके क्या कर देना 45 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। आप फार्मूले से भी करके देख सकते हो, फार्मूले से थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, वो आपको नहीं करना। क्या क्या करना है हमने ये बताया, ये वाली जो रखी है, ये घंटे वाली सुई जो है इसको हूबहू पहले तो उतार लेना है, आपको हूबहू उतार लेनी है। इसके बाद ये मिनट वाली सुई है, ये 30 मिनट अगर दिखा रही है, इसका मतलब ये किस पर होगी, तो आप बोलोगे 6 पर होगी। इन दोनों का अंतर ले लो कितना, तो हमने बोला जितना भी अंतर लेने के बाद आता है उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया -60 आ गया। फिर इसके बाद बताया कि एक चीज और करना है, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो आप बोलोगे ये जो मिनट है उसका आधा करके हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हो, कैसे, 8 कहाँ होगा, 8 पर होगा, 55 अगर मिनट दिखा रहा है, मिनट वाली सुई अगर 55 दिखा रही है तो किस पर होगी, तो आप बोलोगे 11 पर होगी, तो 8 माइनस 11 कितना आएगा -3। हमने बोला है अंतर करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ 3 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, -90 और 55 का आधा करके उसमें क्या कर दो, जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये कर लेंगे 8, 55। और कुछ अच्छे अच्छे लेते हैं, जैसे मान लो ऐसा हो जाए यार कि यहाँ 25, 30, 55 ना हो, 24 हो, 23 हो, 17 हो, 18 हो, तब कैसे कर सकते हो, वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, इन सब क्वेश्चन को आप घड़ी से भी कर सकते हो, ऐसे घड़ी से कर सकते हो, कैसे घड़ी से कर सकते हो, देख लो, घड़ी से हमें बताने के लिए भूल गया, आप समझ लो घड़ी से कैसे कर सकते हो, ये तो आपको फॉर्मूले से आ जाएगा। घड़ी से कैसे कर सकते थे, जैसे मान लो सब चीजें आपको भूल जाए, घड़ी ही याद रहे, तो फिर आप कैसे करोगे, जैसे मैं बात करता हूं 7:30 की, 7:30, 7:30 का मतलब ये है यार कि मिनट वाली सुई तो कन्फर्म है कहां होगी, 30 पे होगी, 7:30 का मतलब यही है कि मिनट वाली सुई, ये बात कन्फर्म है कहां होगी, 6 पर होगी। और जो घंटे वाली सुई है वो 7 पे नहीं हो सकती, जो घंटे वाली सुई है वो 7 पे नहीं हो सकती, 7 से थोड़ा आगे होगी, होगी कि नहीं, यहां कहीं होगी, हाँ कि ना, 7:30, 7 पे तब होती जब ये मिनट वाली सुई 12 पे होती, जब 7:30 बज गए इसका मतलब है घंटे वाली सुई और आगे जाएगी और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप देखो गौर से, तो आप देखोगे तो सबसे पहले हम कहां से कहां गए हैं, तो आप बोलोगे यहां से यहां 1 घंटे चले हैं, देख लो चाहे 6 से 7 गई है, भाई ये पूछ रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच की दूरी मतलब कोण बताओ, तो मतलब ये वाला कोण बताना है कितना बनेगा, तो यहां से यहां तक का कितना कोण होता है आपको पता है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, बनता है कि नहीं। जैसे ये आर हैंड की बात करो तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे 1 घंटे में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। लेकिन दिक्कत यह है 6 से 7 तो 1 घंटे हुआ, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा और आगे हो गई है, अगर थोड़ा सा और आगे हुई है तो आप बताओ कितना आगे हुई है, तो आप बोलोगे कितना आगे हुई है, ये मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई जितना समय ली होगी यहां तक आने में, मिनट वाली सुई 12 से 6 तक आने में जितना समय ली होगी उतना ही आगे बढ़ा होगा, बढ़ा होगा कि नहीं, तो आप बताओ मिनट वाली सुई कितने डिग्री चली है, वो कितने मिनट चली है, तो आप बोलोगे मिनट वाली सुई 30 मिनट चली है, कितने मिनट,
30 मिनट, यानी कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 30 मिनट आगे हो गई होगी, 7 से 30 मिनट आगे हो गई होगी। तो यहां से कह सकते हो कि 30 मिनट में बताओ घंटे वाली सुई कितनी चली होगी। एक मिनट में अगर आधे डिग्री चलती है तो 30 मिनट में कितने डिग्री चली होगी, 15 डिग्री चली होगी। 30 यहां से यहां था और 15 यहां से यहां, तो टोटल मिला के कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। बस इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, क्या पता कहीं मिस्टेक हो जाए, इसलिए इस चीजों को बहुत सारे लोग बताते नहीं है। लेकिन आप समझ लो ये होता क्यों ऐसा। हमने बताया कि जब 7:30 की बात करता है तो ये एग्जैक्ट 6 पर होगा, ये 7 से आगे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया कि यहां से 6 से 7 जाने के बीच में हमें ये बताना है यहां से यहां का कोण कितना है। एक घंटा ये होगा, एक घंटे में 30 डिग्री बनता है घंटे की सुई द्वारा। तो आप बताओगे कि आगे भी गया है ये घंटे वाली सुई, आगे भी गई है, तो आप कह सकते हो कितना आगे गया है। तो आप बोलोगे जितना समय मिनट वाली सुई यहां तक आने में ली है उतना ही समय घंटे वाली सुई आगे बढ़ गई है। तो ये वाली कितना, 30 मिनट, यानी 30 मिनट आगे बढ़ी होगी घंटे वाली सुई। एक घंटे में आधे डिग्री बनाती है तो बोलो 30 घंटे में 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो 15 डिग्री बनाएगी। तो आप यहां से कह सकते हो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। हालांकि ये समझ में ना आया हो तो भी ये जरूरत नहीं है, आपको एक ही तरीका फॉलो करना है जो हमने बताया है, उसी तरीके से आपको निकालना है। और कुछ ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये चीज आपसे बनना चाहिए। और क्लॉक में यही सबसे ज्यादा आता है यार, कोण निकालने की बात आती है। जैसे एक छोटा सा ले लेते हैं 10:30 पर, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप ऐसे मुंहजवानी कर सकते हो, 10 वाला 10 पे होगा, अगर 30 है तो वो 6 पे होगा, अंतर 4 का आया, 30 × 4 = 120 आया, 120 में 15 और जोड़ दो कितना आ गया, 135 आ गया। बस सवाल का आंसर हो गया। क्या करोगे आप, बोलोगे ये किस पे होगा, इससे तो हमने बोला हो बहु ताल लो। आप बताओ 30 वाली, अगर 30 मिनट है, अगर 30 मिनट दिखा रहा है तो मिनट वाली सुई कहां होगी, तो आप बोलोगे 6 पे होगी, माइनस कर दो कितना रहा है, 4 × 30 कर दो कितना जाएगा, 120। हमने बोला 120 में जोड़ना भी है कुछ, क्या जोड़ना है, तो आप बोलोगे क्या जोड़ना है, इसका आधा जोड़ना है, तो 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। जैसे मान लो अब ये क्या हो, 5-5 के मल्टीपल में ना हो, तब आप क्या करोगे, इसे लिखा रहने दो। इधर देखो, जैसे मान लो आ जाता है कि आप बताओ 10:34 पर, 10:34 पर बताओ दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 10:34 पर दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो वही तरीका, ये बताओ किस पे, इसे तो हमने बोला हो बहु उतार लो कितना, 10, ठीक है। अगर 34 मिनट हो रहा है, अगर 34 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी। अब यहां निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, 34 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी। आप बताओ अगर 30 मिनट हो रहा था, अगर 30 मिनट हो रहा था तो मिनट वाली सुई कहाँ थी, 6। हमने कैसे निकाला है, इसको हमने 5 से भाग दिया है। गौर से देखो, ये हमने कैसे ये 6 निकाला है कि भाई अगर मिनट 30 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, तो 6 पे आपने कैसे बताया। तो आप बोलोगे इसमें हमने 5 का भाग दिया है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको 5 को भाग दे देना है, तो मन में ही भाग देना है। अगर 34 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6, 5 × 30 4 बचा, 5 × 8 = 40, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 10 में 6.8 घटा दो। जैसे घटाना भी कुछ लोगों से नहीं बनता तो मैं बता दूं घटाना कैसे, आपको 10 ऐसे ऊपर लिख लेना है, 0.00 इधर बढ़ा देना है, 6.8 यहां लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे 10 में 8 कितना हो जाएगा, 2, और यहां 9 बचा, 9 में 6 कितना, 3, कितना जाएगा, 3.2। वैसे भी कर सकते हो 10 में 6 घटा तो कितना, 4.8 और घटेगा, 0.8 घटने का मतलब कितना, 3.2 आएगा। बात समझ गया, 3.2 आया। तो हमने बताया है जितना भी आएगा 3.2 जैसे आया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 30 से। जैसे ही आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 0 आएगा यहाँ पास, 1 अंक 2.5 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, 96 आ गया। कितने डिग्री आ गया, 96। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको इसका आधा जोड़ना है, यानी कितना जोड़ना है, 17 और जोड़ देनी है, तो अब कितना हो जाएगा, 3, 9, 10, 11, 113 डिग्री। और इस सवाल का आंसर कितने डिग्री हो जाएगा, 113 डिग्री। आप देख सकते हो 6, 7, 13 हो गया, 9, 10, 11, ठीक है, 113 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं आता, मान लो 36 आ गया, 37 आ गया, 38 आ गया, तो फिर आप कैसे करोगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। देखो चलो देखो, जैसे पूछ लेता है, आप बता दो 11:36
11:36 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 11:36 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आप क्या करो, इसे हूबहू उतार लो, कितना 11। अब बताओ अगर 36 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ पास होगी? ये फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया है, आप इसे 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कितना डिवाइड करोगे, 7 पॉइंट, कितना हो जाएगा 5 से 7.2 हो जाएगा। आप इनको माइनस कर दो। आप बताओ अगर माइनस कर रहे हो, 11 में 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 0.2 और घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3.8 आ गया कि नहीं, 3.8। हमने बताया इसको कुछ नहीं करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3×8=24, 2×9=2=11, 114 आ गया, 114 आ गया, 3×8=24, 2×3×9=2=11 सही है, 114 आ गया। 14 आने के बाद हमने बताया था मिनट का आधा करके इसी में जोड़ दो, तो आप जोड़ दो कितना, 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8×4=12, 8×4=12, 1×1=2=3, यानी कितने, 132 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये बातें कि आपको कैसे निकालनी है, यही तरीका आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, आवर हैंड को उतार लेना है कितना है। इसके बाद जैसे दिया है 30 मिनट, तो आपको सोचना है अगर 30 मिनट हो रहा है इसका मतलब है कि मिनट वाली सुई 6 पर होगी। दोनों का अंतर लेना है, अंतर लेने के बाद दो स्टेप आपको करनी है, एक तो 30 से गुणा, एक तो मिनट का आधा करके जोड़ना, बस इतनी ही कहानी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बात समझ गए, क्या क्या करनी है, एक तो 30 का गुणा, एक तो मिनट का आधा करके जोड़ देने। आप फार्मूले से लगा सकते हो, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, फार्मूला भूल भी सकता है। फार्मूले को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है, क्या होता है कि जैसे आप पेपर में बैठते हो तो सब चीजें क्या होती हैं, जैसे एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जैसे एक क्वेश्चन नहीं बना तो स्टार्टिंग में एक नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा, इतने में तो दिमाग खराब हो जाता है कि तीन क्वेश्चन नहीं बने तो आपको लगता है बस आगे के आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे फिर नहीं बनेंगे, बनते हुए होंगे फिर भी गलत हो जाएंगे। तो आप पेपर में किया क्या करो, जो नहीं बन रहा है उसे भी थोड़ा सा स्टॉप कर दो। जैसे आपसे मैथ से क्वेश्चन 3-4 बनते हुए गलत हो गए हैं तो आप समझ जाना मैथ को भी छोड़ दो, वरना पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप जीएस में बढ़ जाओ, इंग्लिश में बढ़ जाओ, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको यही करना है कि जब मैं ये बताने वाला था कि जैसे मान लो ये तरीका आपको भूल जाता है तो फार्मूला याद है, फार्मूला नहीं, फार्मूला अगर आपको भूल जाता है तो ये तरीका लगाना है, ये भी तरीका भूल जाता है तो हमने घड़ी से बताया कैसे निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी रीजनिंग में कल करेंगे यार, मतलब अब कल की बारी किसकी है मैं आपको बता देता हूँ, कल के आपको पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको पढ़ाया है क्या, एंगल कैसे निकालते हैं, कल आपको एंगल दिया जाएगा और एंगल से समय निकाला जाएगा। मतलब कल आपको क्या पढ़ाएंगे कि एंगल दे देगा और एंगल से आपको क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। रीजनिंग यार मतलब केवल इतना समझो कि रीजनिंग आपके थिंकिंग की सोच है, और क्लार्क से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं तो क्लार्क को आपको छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे आपको करते जाना है। मैं बोला हूँ रीजनिंग का जैसे एक चैप्टर उठाऊंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बाद आप आराम से लगा सकते हैं, क्लार्क हो गया, कैलेंडर हो गया, कोई भी चीज। चलो धन्यवाद आज के लिए।